राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर, राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ए, ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है। राजीव दीक्षित का नाम लोगे? राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? जिनके विरोधी जिनके चरित्र के बारे में सपने में भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव भाई। राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। राजीव दीक्षित जी को जाना ही नहीं, क्या हो गया? जैसे मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या को क्या चाहिए? उत्साह। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, और मैं इस जो एलोपैथी है इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था, मैं बड़ा उनसे हर बात पर सहमत रहता था, उनकी भी हत्या हुई इसीलिए। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई विषाद देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज भी कमी है। राजीव दीक्षित जी जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज के देश में। आज के देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो देश के लिए मरते हैं। आजकल लोग अपनी पार्टी, अपनी धर्म, अपनी जाति, यही सब पे मरा है, लेकिन ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के उठ गए। राजीव दीक्षित जी को तो हमको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने मरवा दिया। पहले गांव वाले डरते थे कि साहब इस विदेशी कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे, सरकार पीटेगी, पुलिस मारेगी। मैंने कहा मारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। और उस दिन क्या हुआ कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो केडिया कंपनी ने अपने कुछ गुंडे बुलवाए, तो उसके बाद भी हमने काम नहीं रोका। ये उनके डराने का तरीका था। वो हमको धमकी दे रहे थे कि देखो तुमको मार डालेंगे। हमने कहा हमको मरने से डर ही नहीं लगता, तुम मारोगे क्या? और उसके बाद नतीजा निकला कि जब गोली चली तो गांव में और ज्यादा उत्साह है। वो पता चला कि 10,000 की फौज अब 20,000, 25,000 की फौज में कन्वर्ट होने वाली। एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोशिश की, अपनी जीप लेके आया, लाल बत्ती हरी बत्ती टें 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 करते हुए, गांव में बैरिकेड लगाया हुआ था, वहां आके जीप खड़ी हो गई, आदेश देने लगा कि इसको हटाओ। गांव की बहनें निकली और एक एक लठ उठाया, मार मार के कार के शीशे को भागे सब वहां से दुम दबा के। डीएम भागा उसके पीछे पीछे, उसका अर्दली भागा, और गांव वालों ने देखा कि हमारे सामने जब डीएम भाग सकता है तो दुनिया की कोई भी कामना नहीं। अब इसकी नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। हालांकि किसी मतलब एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन जो धरोहर वाली चीजें हो जाती हैं उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता। जैसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। या हमारे जो समाज सेवी है, राजीव दीक्षित जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोग के नाम पर रहता। जो भी सिस्टम में बैठे उन सबको मत छेड़ो इन युवाओं को, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा, ये ऐसा इतिहास लिख देंगे जिसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और मोदी जी याद रखिएगा, इतिहास आपके समय मत लिख दिया जाए। और सबको कहते हैं भाई साहब आप ये आवाज उठाइए, क्योंकि इतिहास केवल आवाज उठाने वालों को याद रखा जाता है। जब देश गुलाम था ना तो बड़े बड़े सिंहासन पे बैठे राजा महाराजा भी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। तलवे चाटने वालों को इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता है, जगह उसी को मिलता है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। शुरू शुरू में 50 लोग कहते हैं अरे ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संकल्प शक्ति हो और मन में पवित्रता का भाव हो, आपका उद्देश्य बड़ा हो, समाज के हित में हो, तो जीत तो होती ही।
भले ही हमारी शक्ति कम है, आज कम है कल अधिक हो जाएगी, और अधिक कैसे होगी, ऐसी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी हम करेंगे, ये कर रहे हैं। 1992 से हमने ये अभियान शुरू किया था, 1992 से अब तक इतना कर पाए हैं हम। 3-4 लोगों ने ये अभियान शुरू किया था, तब सब लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, अच्छा खासा कैरियर छोड़ के इस तरह के काम में लग गए। परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा ठीक है, आप नाराज रहिए, क्योंकि ये पशु बन के जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है, संस्कृति बड़ी होती है।